ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वीर साधना के बारे में। वीर भी कहते हैं और वीर भी कहते हैं, तो वीर साधना के बारे में बताएंगे। सभी वीरों की शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है और ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होते हैं। ये जनरली गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर की साधना की जाती है, ज़्यादातर मंगलवार को किया जाता है। वैसे चलिए हम आपको ये बता देते हैं, पहले तो आपको बताना चाहिए कि भारत में हमारी बहुत सारी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं जिनका धर्म से लेना देना है। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म में, हमारे धर्म में निषेध माना गया है। तो चलिए हम वीर साधना के बारे में बात करते हैं कि वीर साधना कैसे की जाती है, इसका महत्व क्या है और इसको करने से क्या होता है। वीरों के विषय में सर्वप्रथम तो पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया गया था और वहाँ पे इन वीरों की जो संख्या है वो 52 बताई गई है, 52। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्म रक्षक भी कहा गया है। मूलतः यह सभी कालिका माता के दूत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में कई वीरों के मंदिर में अन्य देवी और देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। राजस्थान में जारवीर, नाहरवीर, वीर तेजाजी महाराज, इन लोगों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में, शमशान में या फिर किसी एकांत स्थान पर की जाती है जहाँ कोई आना आता जाता नहीं है। कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के पश्चात कहा जाता है कि पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है, इसलिए ध्यान रहे कि यह साधना किसी गुरु या जानकार से पूछकर करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। देखिए, जो गंधर्व थे, गंधर्व नाम से एक अकेले देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन किया करते थे। वे देवताओं के लिए सोमरस प्रस्तुत करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और चूंकि वे माँ बागदेवी का पाठ करते हुए जन्मे थे इसलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा ने गंधर्वों का जन्म दिया था। गंधर्वों को सारे जितने गंधर्व थे सब उन्हीं से पैदा हुए और अथर्व वेद में उनकी जो संख्या थी 6333 थी। तो चलिए पहले तो हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि जो 52 जो वीर हैं उनके नाम क्या क्या थे। क्षेत्रपाल वीर, कपिल वीर, बटुक वीर, ड्रेसिंग वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्त स्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटापथ वीर, रुद्र वीर, तेरासंग वीर, वरुण वीर, हंस वीर, लौनकड़िया वीर, वही वीर, प्रिय मित्र वीर, कारुवीर, अदृश्य वीर, वल्लभ वीर, वज्रवीर, महाकाली वीर, महालाभ वीर, तुंगभद्र वीर, घंटाकर्ण वीर, बैद्यनाथ वीर, फाहितक। तो मतलब इतने सारे वीर थे कि नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। पितृवीर, खड़गवीर, नाघष्ट वीर, प्रद्युम्न वीर, कोलेलकर वीर, कंफिला वीर, अस्थिमुख वीर, रेतोवेद वीर, नकुल वीर, भूत भैरव वीर, कालमुख, त्रिमुख वीर, डचक वीर, अठलाद वीर और वासीमित्र वीर। तो ये 52 तरह के पूरे वीर थे। तो वीरों के विषय में सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज राजसों में किया गया था। अभी इसको कैसे किया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। यह साधना रात्रि काल में एकांत स्थान पर करना चाहिए। मंगलवार को यह साधना संपन्न की जा सकती है। घर के अतिरिक्त इसे किसी प्राचीन और एकांत शिव मंदिर में या तालाब के किनारे निर्जन तट पर की जा सकती है। पहनने के वस्त्र, आसन के सामने बिछाने के आसन सभी गहरे काले रंग के होने चाहिए। साधना के बीच में उठना मना है। इसके लिए वीर वैताल यंत्र और वीर वैताल माला का होना जरूरी है।
यंत्र को साधक अपने सामने बिछे काले वस्त्र पर किसी ताम्र पात्र में रखकर स्नान कराएं और फिर पोंछ कर पुनः उसी पात्र में स्थापित कर दीजिए। सिंदूर और चावल से पूजन कीजिए और फिर ध्यान करके मंत्र को उच्चारित कीजिए। फुम फुम फुलार शब्दो वसति वर्णि जायते यस्य कंठे, डिम डिम धिनाति दिनम डमरु यस्य पानो प्रकंपम, तक तक तदांति तदांत दीर्घति दीर्घति व्योम वार्मी, सकल भय हरो भैरवो सह न पायात। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद माला से 15 माला जाप कीजिए। ये पूरे 5 दिन की साधना है। वो जो माला से जो जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम वीर सिद्धिं दर्शे दर्शे फट, ये पूरा आपका एक्चुअल मंत्र है। साधना के बाद सामग्री नदी या शिव मंदिर में आप विसर्जित कर दीजिए। साधना का काल और स्थान जो है बदलना नहीं चाहिए। 5 दिन जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं सारे के साथ, पांचों के पांचों दिन वहीं पे रहना है। अभी 100 चक्र की वावड़ी डाल मोती का हार, पदम नियानी निंकरी लंका करे निहार, लंका सी कोड समुद्र सी खाई चले, चौकी हनुमंत वीर की दुहाई कौन कौन, वीर चले मर्दाना वीर चले सवा हाथ जमी को सुखंत, करणाचल का सुखंत करना, पै का सुखंत करना, पावन का सुखंत करना, लाग को सुगंत करना, चूड़ी को सुगंत करना, पलना को भूत को पलट को अपनी वैरी को सुखंत करना, मेवाद उपट बहकी चंद्रे कले नहीं चलती, पवन मदन सुतल करे माता का दूध, हरम करे शब्द सांचा फुरे मंत्रो ईश्वरो वाचा। ये है पूरा वीर साधना का मंत्र। अभी इस मंत्र को आप गुरुवार से शुरू करके 44 दिन तक 1008 जाप करें। 40वें दिन वीर दर्शन दे सकता है और आप बिना डरे उससे जो भी मांगना है आप मांग ले। याद रहे कि किसी का बुरा मत मांगना। शुद्ध घी का दीपक चलाना है आपको और लोबान की धुनी लगातार देनी है। चमेली के पुष्प और कुछ फल इनको अर्पित करें तो वो प्रसन्न होकर आपको वर देंगे। फकीरों की सेवा कीजिए और उनको सोहा वीर के नाम से भोजन और एक मीठा जरूर दें तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साधक इस साधना मई के महीने में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मदिरा से दूर रहना है। मंत्र को करने से पहले अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींच लीजिए गोलाकार। जब तक 1008 जाप पूरा नहीं हो तब तक इस गोले सबहेर नहीं निकलना है आपको गोले से बाहर। और डेली पुष्प के सुगंधित पानी से स्नान करना है और झूठ नहीं बोलना है। गुरु को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करना है। इस साधना के विधान में शरीर की जो भी आवश्यकता हो उस साधना में इस मंत्र को 7 बार पढ़कर चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींच लीजिए और स्वयं हनुमान जी के साधक की रक्षा करते हैं इसमें। तो ये जो मंत्र आपको पढ़ना है जो लकीर खींचने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता धरती धरे, नाधीर बाजे श्रृंगी बाजे तुर तुरी आया, गोरखनाथ थमीन का पुत मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा हमारी पीठ पिछते हनुमंत शब्द खड़ा, सांचा पिंड काचा स्रो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस मंत्र से आपको चारों तरफ लकीर खींच लेना है। ये सोहावीर का मंत्र है। इनकी साधना में जूही चमेली के फूलों की विशेष महत्ता होती है। गुलाब और मोगरे की गंध इनको जल्दी आकर्षित करती है। शुद्ध इतर का धूप का उपयोग करना उत्तम होता है। बहते पानी के पास सिद्धि जल्दी मिलेगी आपको, तो अगर आप नदी किनारे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, उस ये एक तरह का नियम है। इनकी सिद्धि हो जाने पर साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी दोनों पाँव के बीच से कभी पानी का धार बहकर आर पार नहीं होना चाहिए। अगर वो पानी की धार फिर किसी पानी तक पहुंचती है तो सिद्धि आपकी तत्काल समाप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। मैंने आपको दो तीन मंत्र बता दिए हैं वीर साधना के। धन्यवाद।